जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखिए, हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। ऐसा कहना है हेनरी फोर्ड का, जिन्हें आधुनिक कारों का जनक भी कहा जाता है। हेनरी ने कार को दुनिया भर में इतना लोकप्रिय और सस्ता बना दिया जिसे एक आम आदमी भी बहुत ही आसानी से खरीद सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन ऐसा कर दिखाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। आइए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को अमेरिका के ग्रीनफील्ड नाम के जगह पर हुआ था। हेनरी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पिता विलियम फोर्ड एक बहुत ही साधारण से किसान थे। बचपन में हेनरी का खिलौना अन्य छोटे बच्चों से अलग हुआ करता था। उन्हें खिलौनों से ज्यादा लोहे के औजारों से खेलना पसंद था। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का एडमिशन गांव के पास के ही एक स्कूल में कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई की और फिर पैसे न होने की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। इसीलिए उनके पिता चाहते थे कि हेनरी एक अच्छा किसान बने। लेकिन हेनरी को खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेनरी फोर्ड बिना घोड़ों की चलने वाली गाड़ी बनाना चाहते थे और उसके लिए रात रात भर जगकर वो एक्सपेरिमेंट किया करते। दरअसल उस समय गाड़ियां तो बननी शुरू हो गई थी, लेकिन वह इतनी महंगी हुआ करती थी कि अमीर पैसे वाले लोगों को भी उसे खरीदने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। और अगर बात की जाए आम आदमी की, तो वो तो उनके लिए एक सपना ही था। उन्हें गाड़ी के एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ने लगी और इसीलिए वह 16 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर डेट्रॉइट चले गए। डेट्रॉइट में उन्होंने स्टीम इंजन रिपेयरिंग की एक कंपनी में काम किया। वो कहते थे कि उन्हें इस काम को करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि यह भी औजारों से संबंधित ही काम था। कुछ सालों तक उस कंपनी में काम करने के बाद वह वहां के सीनियर इंजीनियर बन गए, जिससे उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। लेकिन उनकी पूरी सैलरी कार के एक्सपेरिमेंट में खत्म हो जाती थी, इसीलिए वो और पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। हेनरी फोर्ड एक आम आदमी से 2 गुना काम किया करते थे। आखिरकार उनका मेहनत रंग लाया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद 1896 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। जब कार की इंजन स्टार्ट हुई, उस समय रात के करीब 3 बज रहे थे और बारिश भी खूब हो रही थी। लेकिन एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि उन्होंने उसी बारिश में अपनी कार निकाली और घर के बाहर चलाने लगे। लोग जोर जोर सा आवाज सुनकर बाहर आ गए और उस कार को देखकर आश्चर्य करने लगे। उसके बाद हेनरी की सफलता को देखकर उन्होंने हेनरी का मनोबल भी बढ़ाया। कुछ दिनों के बाद हेनरी ने वह गाड़ी बेच दी और उससे मिलने वाले पैसे और कुछ और पैसे अपने पास से मिलाकर उन्होंने 1899 में एक कंपनी खोली, जिसका नाम डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल था। इस कंपनी ने 25 कारें भी बनाकर बेची, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण उस कंपनी को बंद करना पड़ा। हार ना मानते हुए 30 नवंबर 1901 में उन्होंने अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ मिलकर फिर से एक और कंपनी खोली, जिसका नाम हेनरी फोर्ड था। लेकिन दोस्तों से मतभेद होने के कारण उन्हें यह भी बंद करना पड़ा। उनके दोस्त चाहते थे कि कार को महंगा बेचा जाए और केवल अमीर लोगों को ही टारगेट किया जाए, लेकिन हेनरी की सोच शुरू से ही अलग थी और दोनों के विचार न मिलने के कारण उस कंपनी को बंद करना पड़ा था। उसके बाद पुरानी सभी बातों से सीख लेते हुए हेनरी फोर्ड ने 16 जून 1903 को एक और कंपनी खोली, जिसका नाम फोर्ड था।
फोर्ड कंपनी को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी एक कार को रेसिंग ट्रैक पर उतारी, जिसका मॉडल था फोर्ड 999। इस कार ने तो मानो धूम ही मचा दिया था। यह कार उस रेस में फर्स्ट आई, जिसके कारण हेनरी फोर्ड और उनकी कंपनी को लोग जानने लगे। 1909 में उनकी कंपनी ने एक टी मॉडल कार बनाई, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद तो मानो पैसे की बारिश ही हो गई, और देखते ही देखते फोर्ड ने हजारों लाखों कारों की बिक्री शुरू कर दी। उनकी सफलता का एक राज यह भी था कि उनका हर कारीगर किसी एक काम का प्रोफेशनल था, और केवल वही काम करता था जिसमें उसको महारत हासिल है। सस्ती कारों से हमारी लाइफ स्टाइल बदलने के बाद आखिरकार 7 अप्रैल 1947 को हेनरी फोर्ड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, हेनरी फोर्ड का मानना है कि बाधाएं वो डरावनी चीज है जो आप तब देखते हैं जब आप लक्ष्य से अपनी नजरें हटा लेते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।